Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with legality of object and consideration. Object or consideration ko hum legal kab manenge? Which consideration and objects are lawful and those which are not? As per section 23 hum ye manenge ki kaun se object aur kaun se consideration lawful hain aur kaun se lawful nahi hain. Under section 23 of the Indian Contract Act, in each of the following cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. अब हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाता है. नाउ अब हम ऐसे सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों को अनलॉफुल माना जाता है एज पर सेक्शन 23. नाउ व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जहाँ पर आपकी कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट है, अगर लॉ उसको करने से मना करता है और तब भी आप उसको कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल माना जाएगा. एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट एज वेल एज दोज प्रोहिबिटेड बाय रेगुलेशंस और ऑर्डर्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर. ऐसे एक्ट जो कि लॉ फॉरबिड करता है करने से, या किसी भी स्टैट्यू या फिर किसी भी लॉ के अंडर उन एक्ट्स को पनिशेबल डिक्लेयर किया गया है, और साथ ही साथ ऐसे एक्शंस जो कि रेगुलेशंस या ऑर्डर्स के साथ प्रोहिबिट किए गए हैं करने से, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उनको हम अनलॉफुल मानेंगे. एग्जाम्पल 31. अ फादर हैड अरेंज्ड फॉर मैरिज ऑफ हिज 17 ईयर बॉय एंड टुक डाउरी फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट. एक फादर ने अपने 17 साल के लड़की की शादी अरेंज करी और लड़की वालों से दहेज लिया. सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस एज इन इंडिया द मिनिमम एज फॉर बॉय मैरिज इज 21 ईयर्स एंड डाउरी इज नॉट परमिसेबल इन इंडियन लॉ. तो ऐसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को हम अनलॉफुल मानेंगे बिकॉज मिनिमम एज फॉर बॉयज मैरिज इज 21 ईयर्स इन इंडिया और जो डाउरी है वो भी परमिसेबल नहीं है अंडर द इंडियन लॉ. सो सच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर फॉरबिडन बाय लॉ. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपकी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है डाउरी, वो भी अनलॉफुल है. साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है टू गेट मैरिड, वो भी अनलॉफुल है क्योंकि उसकी लीगल एज ही अभी नहीं हुई है. वेन कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ. जब आपके कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जब अगर वो परमिट किए जाते हैं सो दैट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. यानी कि कोई ऐसा काम आप इन्वॉल्व है आपकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट में जिससे किसी भी लॉ के प्रोविजन को आप डिफेक्ट कर रहे हैं. If the consideration or the object of an agreement is of such a nature that not directly but indirectly it would defeat the provisions of the law, the agreement is void. अगर आपके object का consideration या फिर main subject matter जो है वो directly नहीं indirectly भी किसी भी law के provision को defeat कर रहा है तो उस agreement या contract को हम void मानेंगे. Example 32. A's estate is sold for arrears of revenue under the provisions of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. A की जो property है उसको बेच देते हैं क्योंकि वो revenue pay करने में असमर्थ होता है. And according to the provisions of the estate act legislature के according जो defaulter है वो उस property को बाद में खरीद भी नहीं सकता है. B upon an understanding with A becomes the purchaser. बी ए की सहमति के साथ उस एस्टेट या फिर उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है एंड एग्रीज टू कन्वे द एस्टेट टू ए अपॉन रिसीविंग फ्रॉम हिम द प्राइस विच बी हैज पेड. और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा अगर तुम मुझे जितना पैसा मैंने पे करा है इसको खरीदने में वो पैसा तुम मुझे दे दो. तो सो एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट रेंडर्स अ ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट अ परचेज बाय द डिफॉल्टर एंड वुड सो डिफीट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ. जब ए ने रेवेन्यू देने में अरियर्स करे हैं और वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता है ना ही परचेज कर सकता है, अगर बी बाद में ये कहता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूँ बाद में पैसे देके मुझसे वापस ले लेना, तो वो एक्ट जो है वो उस लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है क्योंकि ए अब लीगली लायबल ही नहीं है या फिर वो किसी भी एस्टेट या प्रॉपर्टी को होल्ड ही नहीं कर सकता है. तो अगर बी ये कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, जितने पैसों में मैं खरीद रहा हूँ अगर बाद में तुम मुझे वो वापस कर दोगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी वापस ले जाना, ठीक है. तो ये जो है एक किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है जिसकी वजह से इसको हम अनलॉफुल मानेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट. एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड आर वॉइड. ऐसे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके अंदर फ्रॉड को प्रमोट किया जाता है वो भी हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिविजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड देम बाय फ्रॉड. अब मान लेते हैं कि तीन दोस्त हैं, उन्होंने चोरी कर कुछ सामान किसी घर से उठा लिया. अब बाद में वो
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस सामान को हम इक्वली अपने अंदर डिवाइड करेंगे और इसी बात का हम कॉन्ट्रैक्ट मान रहे बना रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वर्ड मानेंगे कि उसमें वो फ्रॉडुलेंट एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। द जनरल टर्म इंजरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल एज इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जो जनरल टर्म है इंजरी, एज पर द लॉ उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्ट या फिर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई हानि पहुंची है वो इसमें इंक्लूड होता है। सो इन एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन अनलॉफुल है अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी होती है। एग्जाम्पल 34, एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायोलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वॉइड एज द ऑब्जेक्ट इज टू कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर किसी की बुक को आप प्रिंट कर रहे हैं तो वो इसके कॉपीराइट का वॉयलेशन है और उसकी वजह से किसी और की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंच रही है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अनलॉफुल। इट इज ऑल्सो वॉइड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ रिलेटिंग टू द कॉपीराइट, ठीक है। आप उसकी ऑब्जेक्ट को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को तो इंजरी कर ही रहे हैं बट स्टिल आपको जो ऑब्जेक्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का कि आप उसकी बुक की प्रिंट कर रहे हैं वो भी कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग अनलॉफुल है। अ प्रॉमिस टू पे और रीपे हिज डेट बाय डूइंग मैनुअल लेबर डेली फॉर अ स्पेशल पीरियड एंड एग्रीज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्जॉर्बिटेंट रेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ए प्रॉमिस करता है कि वो अपनी उसका जो कर्जा है वो उसको रीपे कर देगा, रोज मैनुअल लेबर करेगा एक स्पेशल टाइम के लिए, पीरियड के लिए, ठीक है। और उस पर वो इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार है जो कि बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेट पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट रेट के मार्केट जो मार्केट वैल्यू चल रहा है उससे बिल्कुल ही अलग एग्जॉर्बिटेंट रेट पर वो लोन देने को तैयार है। Here A is promised to repay by manual labor is a consideration for the law and this consideration is illegal as it imposes that in substance amounts to slavery on the part of A. तो जो वो manual labor करने के लिए कह रहा है वो that will amount to as slavery जो कि हमारे Indian law के according prohibited है, so that will be considered unlawful. In other words, as a consideration involves injury to the person A, the consideration is illegal. Here the object too is illegal as it seeks to impose salary which is opposed to public policy. Hence the agreement is void. तो इसमें जो consideration involved है कि A slavery करेगा या फिर manual labor करेगा B के लिए या जिसको भी उसने death जिससे ली है, तो उसका जो main object है वो slavery impose करना है कि वो सिर्फ उसके लिए काम करेगा in time के according. तो इसकी वजह से जो स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो इसकी वजह से जो आपका एग्रीमेंट होगा वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट्स वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल बीइंग इमोरल। अब किन किन चीज़ों में आप अपनी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को इमोरल कर अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं, वी विल रीड थ्रू एग्जाम्पल्स। Where B has advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce, it was held that B was not entitled to recover the amount since the agreement had for its object the divorce of D from her husband and the promise of marriage given under these circumstances was against good morals. Okay, so यहाँ पे तीन जने involved हैं, एक है husband and wife, and the other one is a friend of the wife. ठीक है, तो जो फ्रेंड ऑफ द वाइफ है वो उसे ये कहता है कि तुम डाइवोर्स ले लो, मैं तुम्हें मान लेते हैं कि हम अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तुम्हें 1,00,000 दे रहा हूँ, तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, ठीक है। अब द फ्रेंड ऑफ द वाइफ जिसने ये प्रॉमिस या फिर स्टेटमेंट दी है कि मैं तुम्हें 1,00,000 दे रहा हूँ, तुम डाइवोर्स लो अपने हस्बैंड से और फिर हम दोनों शादी करेंगे, That is against the good morals और that is against the public policy, ठीक है। तो बाद में जो friend है wife का वो अपने पैसे वापस नहीं मांग सकता या recover नहीं कर सकता है क्योंकि उसने एक ऐसा काम करा है which is opposed to public policy और which is immoral, ठीक है। Next example says A ask B if you arrange a girl for marriage with me I will give rupees 50,000, here contract is void as it is immoral. A B से ये कहता है कि तुम मेरे लड़की ढूंढो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। सो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप किसी इंसान को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं बाय गिविंग अ प्राइस फॉर समवन, ठीक है। अ गर्ल और अ वुमेन इज नॉट अ थिंग जिसके लिए आप उसे पैसे दें, ठीक है। सो दैट इज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट और आपकी कंसिडरेशन दोनों को अनलॉफुल माना जाएगा।
नेक्स्ट इज व्हेन कंसीडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. नाउ कंसीडरेशन जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, द एक्सप्रेशन पब्लिक पॉलिसी कैन बी इंटरप्रेटेड ईदर इन अ वाइड और इन अ नैरो सेंस. जो एक्सप्रेशन है पब्लिक पॉलिसी, इसको आप बहुत ही वाइड और नैरो दोनों सेंस में देख सकते हैं. द फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट में बिकम इल्यूशरी अनलेस द स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज रिस्ट्रिक्टेड. इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी. सो पब्लिक पॉलिसी ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइडर टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी अंदर आती हैं. गुड मॉरल्स, गुड वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक पॉलिसी में आती हैं जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं अंडर द पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज एग्रीमेंट्स विच आर हेल्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.